तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ एक यहाँ पे फ्लाईव्हील गिवन है, एक इंजन है, दो गियर है हमारे पास जो कि फोर लोड टॉर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक प्रोपेलर है। जो इंजन है उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है ये, इसी तरह जो बाकी इंजन नहीं फ्लाईव्हील का, इंजन का ये गिवन है, गियर वन का ये, गियर टू का ये, और जो प्रोपेलर उसके हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये गिवन है। अब करने के सबसे पहले हमें अपने सिस्टम को ना रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस कैसे करना, क्योंकि हमने जो सीखा हुआ अभी तक सिर्फ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सीखा हुआ है, तो अपने सिस्टम को हमने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे, हमने कुछ असम्पशन किया। सबसे पहले असम्पशन क्या है कि फ्लाई व्हील जो है वो उसको, क्योंकि उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज़्यादा है, तो उसको एज अ फिक्स बॉडी सपोज कर लेते हैं। हमने सपोज़ किया होगा कि ये फ्लाई व्हील होगा ना, इनकी दोनों की मोशन को रेजिस्ट कर रहा होगा, उसको फिक्स बॉडी सपोज कर ले। दूसरा, हमने इंजन को और ये सारे गियर्स को इसको एज अ वन बॉडी बिहेव करेंगे, क्योंकि इनका आपस में डिस्टेंस जब इतना खासा दूर नहीं है, सही है। तो ये एज अ वन बॉडी बिहेव करेंगे दोनों, गियर और इंजन। ये फ्लाई व्हील एज अ फिक्स बॉडी बिहेव कर रहा होगा, और ये एज अ प्रोपेलर अलग बॉडी, डिफरेंट बॉडी बिहेव कर रहा होगा। तो ये दो असम्पशन के इसके अंदर। अब होता क्या है, यहाँ पे गियर रेशियो ना, जो गियर है पहला गियर का जो टीथ है वो 40 है, दूसरे गियर के टीथ जो है 20 टीथ है, तो इनका जो गियर रेशियो बनने में डबल बन रहा है। मतलब अगर ये वाली जो आपका जो गियर है ना, अगर ये 20 RPM की स्पीड से चल रहा है, तो दूसरी शाफ्ट जो होगी ना 40 RPM की स्पीड से चल रही होगी, सही है। अगर इसकी स्पीड जो है वो 10 RPM है पहले वाली शाफ्ट की, तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 20 RPM डबल हो जाएगी पहले वाले के, सही है। गियर रेशियो डबल का फ़ायदा ये होता है। तो हम इसका फार्मूला होता है गियर रेशियो निकालने का, जो कि ये है T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। ये टी क्या है, ये टी स्पीड है, एन जो है वो स्पीड रेट, ये टी जो है स्पीड है, एन हमारे पास नंबर ऑफ टीथ्स है। पहले जो गियर था उसके नंबर ऑफ टीथ 40 थे, दूसरे गियर के नंबर ऑफ टीथ कितने थे, 20 थे, 40 अपॉन 20 रखा, तो जो T2 है सेकेंड शाफ्ट जो है हमारी, ये वाली शाफ्ट, ये डबल द स्पीड ऑफ फर्स्ट शाफ्ट मूव कर रही है हमारे पास। अगर हमारे पास सेकेंड जो वाली शाफ्ट है वो डबल द स्पीड ऑफ फर्स्ट वाले के मूव कर रही है, तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये नहीं रहेगा। अब ये सबका गियर था ना, इस गियर का और इस प्रोपेलर का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट डिपेंड करता है आपकी एंगुलर वेलोसिटी पे। अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी डबल हो गई है, या आपकी जो जो वेलोसिटी आपको मिल रही है शाफ्ट को वो वेरी कर रही डबल हो गई है, तो आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फ़र्क आएगा। तो इसलिए अगर आपकी वैल्यू डबल हो रही है, तो इसको आपने जो होगा ना गियर का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देना, और जो प्रोपेलर को भी आपने 2 के स्क्वायर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 3 टाइम होता, तो यहाँ पे 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते, जितने गुना ज़्यादा आपको टॉर्क मिल रहा होगा ना पहले गियर से, आपको उसके स्क्वायर से दूसरे वाले को जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब आपके पास जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया गियर 2 आ गया, वो ये आ गया, और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो प्रोपेलर था वो ये हो गया, बढ़ गया। अब करना क्या, हमने सपोजिशन की हुई है कि गियर 1, गियर 2 और जो इंजन है इसका वन बॉडी बिहेव कर रहे हैं, तो हमने सबको ऐड कर दिया, गियर 1, गियर 2 और इंजन के मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दिया वहाँ पास, ये एक ओवरऑल क्यूमुलेटिव मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस पूरे सिस्टम का। और दूसरा मास कौन सा, ये तो दो मास है हमारे पास, एक मास ये हो गया, दूसरा मास ये है, बाकी मोशन जो हो रही है सिर्फ रोटेटरी मोशन परफॉर्म हो रही है, वहाँ पास एक 2 डिग्री फ्रीडम से सिस्टम बन गया। अब करना क्या है, अगले स्टेप हमने करना है, इसके अंदर देखो दो एक फिक्स चीज़ हो गई, फिर बीच में क्या है, शाफ्ट है, ये हमारा वो मास जिसको हमने ऐड किया हुआ है, हमारे प्रोपेलर का मास है, तो आपके पास एक 2 डिग्री फ्रीडम सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम के लिए जो क्वेश्चन है मोशन है वो ये बनेगी, सही है। ये वही क्वेश्चन है मोशन है जो हमने लास्ट टाइम लास्ट क्लास पे मास के लिए की थी ना, याद है कि कैसे आई थी। हाँ, ये तो 5 चैप्टर में पढ़ा था ना। हाँ, 5 फैक्टर हमने इसको ना सिंपल लीनियर बॉडी के लिए पढ़ा था, लीनियर बॉडी में इसमें खासा फ़र्क नहीं है। जब हमने सिंपल मास के लिए पढ़ा था उसमें क्या था कि यहाँ पे एक्स एक्स वन डबल डॉट होता था, उसकी जगह पे थीटा वन डबल डॉट हो गया, और यहाँ पे सिंपल एक्स वन होता था, बस यहाँ पे थीटा थीटा का इजाफा थीटा आ गया एक्स की जगह। तो सारी क्वेश्चन वही है, बस जहाँ जहाँ आपका एक्स था वहाँ वहाँ थीटा आ गया आपका। और यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने, रोटेशनल क्योंकि यहाँ पे फ्री वाइब्रेशन है हमारे पास,
और के थ्री यहाँ पे जीरो है हमारे पास, ये चीज़ जीरो है ये पैरामीटर। अब करना क्या होता है इसका, हम जो एक्साइटिंग है ना, जो चैप्टर फाइव में एक्साइटिंग हमने दिया था एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स वन कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव दिया था चैप्टर वन में एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी। एक्साइटिंग जो भी एक्साइटेशन हमने दी थी एक्स वन कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव दिया था यहाँ पे, क्योंकि उसमें बात हो रही है टॉर्जन में बात हो रही है, तो जो एक्साइटेशन मिलेगी उसको एम्पलीट्यूड जो मिलेगा वो टॉर्जन की सूरत में मिलेगा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सूरत में मिल रहा होगा। तो जब भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसको डबल टाइम इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेट करेंगे यहाँ पे, तो ये मेगा स्क्वायर माइनस साइन के बाद बाहर आ जाएगा। बेसिकली किया क्या है, ये तो इसकी वैल्यू बेसिकली मैं किया क्या है, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट किया है, डबल टाइम डेरिवेट लिया यहाँ पे, यहाँ पे इसको ऐसे ही पुट कर दिया इस तरह, जैसे ये वन है ना यहाँ पे, अगली वैल्यू होगी यहाँ पर टू लिख देना और यहाँ पर टू होगा, वो वैल्यू पुट की जाएगी यहाँ पे, उसको डबल टाइम डेरिवेट करके ये आंसर आएंगे। ये बिल्कुल डेरिवेशन को ना, जो डेरिवेशन हमने की थी ना लास्ट टाइम चैप्टर फाइव में, उसी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। अब इसको हमने करना क्या है, इसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में ये बना दिया। सबसे पहले इसको अरेंज किया, थीटा वन वाले कोऑर्डिनेट एक तरफ और थीटा टू वाले एक तरफ, फिर दूसरी क्वेश्चन में भी थीटा वन वाले एक तरफ और थीटा टू वाले एक तरफ, फिर इसके मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। फिर क्या, इसको फिर इसको डिटर्मिनेंट लेके इक्वल टू ज़ीरो करना होता है, तो डिटर्मिनेंट लिया इक्वल टू ज़ीरो किया, सही है। थोड़ा इसको रीअरेंज करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। फिर इसमें जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए का फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस फॉर्म में लिखना है। उस फॉर्म में लिखने के बाद इसके अंदर पैरामीटर हैं के वन के टू जो कि स्टिफनेस है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक टॉर्जनल एक एंगुलर चीज़ है, हमारे पास एंगुलर मोशन हो रही है, तो हमने इसके अंदर टॉर्जन इक्वेशन यूज़ की, यहाँ से के की वैल्यू ये आती है जी आई अपॉन एल। अब इस वैल्यू से, अच्छा ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर नहीं गिवन तो ये सपोज भी कर सकते हैं 80x.9 और ये जो था हमारे पास जो शाफ्ट थी उसका डायमीटर हमें गिवन है दोनों का, पहले वाली शाफ्ट का दूसरे वाली शाफ्ट का भी, और लेंथ दोनों की गिवन है हमें, 0.8 थी दूसरे की 1 थी, और ये 32 कन्वर्जन इसके साथ आया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, यहाँ भी 32 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट है। जैसे हमने के वन के टू निकाल लिया, के वन ही पता है, के टू ही पता है, जे वन जे टू पहले हम निकाल चुके हैं, इन सबको आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। जैसे पुट करोगे तो आपके पास ये दो आंसर आ रहे होंगे, मेगा वन का आंसर ये आ रहा होगा, निकल अभी नहीं, ये मेगा वन का आंसर ये आ रहा होगा, मेगा टू का आंसर आपका ये आ रहा होगा। फिर उन मेगा वन मेगा टू की वैल्यू को आपने पुट करके नहीं, फिर आपने निकालना होगा आर वन आर टू। आर वन आर टू कैसे निकालते हैं, जो आपने बिल्कुल मैट्रिक्स बनाने से पहले इक्वेशन बनाई थी ना, ये वाली इक्वेशन जो मैट्रिक्स बनाने से बिल्कुल पहले जस्ट पहले बनाई थी इक्वेशन, उसमें आपने थीटा टू अपॉन थीटा वन करना है इसको। अगर ये वहाँ चले जाएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है, हो जाएगा के टू थीटा टू हो जाएगा, और के टू को यहाँ पे ले आएंगे नीचे, के टू को इसके नीचे ले आएंगे और थीटा वन वहाँ चले जाएगा। तो बेसिकली इस इक्वेशन से हमने थीटा टू अपॉन थीटा वन जो होगा ना वो आर वन के बराबर होगा, और इसी तरह इस इक्वेशन से थीटा टू अपॉन थीटा वन होगा वो आर टू के बराबर होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को ना क्वेश्चन नंबर एक्स और वाई का यूज़ करते हुए हमने आर वन और आर टू निकाला, एक्स और वाई को ही निकाला हुआ है, उसको थीटा टू अपॉन थीटा वन के फॉर्म में रखा हुआ है। इस तरह क्वेश्चन वाई को भी हमने थीटा टू अपॉन थीटा वन के फॉर्म में रखा हुआ है, रखा है सिर्फ इस फॉर्म में, हमें जे की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, के वन के टू पता है, सब रखा है, इसके बाद आर वन आ गया और आर टू भी आ गया, और फिर फाइनली आपको मोड शेप को इस फॉर्म में करके दिखाना होता है। थीटा वन है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव वन होता है, ओमेगा आपने निकाला था, थीटा वन की वैल्यू आपने थीटा वन रख दी, जबकि थीटा टू होता है वो आर वन टाइम ऑफ थीटा वन होता है, तो यहाँ पे आर वन की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, माइनस ये निकाली थी, इस तरह आर टू की वैल्यू आपने क्या निकाली थी यहाँ पे 1.20। तो ये एक पेपर में एक 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन सर ने बोला है, आने के चांसेस है और मोस्ट प्रोबेबली यही आ जाए। थीटा वन कहाँ से आया था, थीटा वन नहीं निकाला, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको थीटा वन ही सपोज किया हुआ है।
डाउन सही लेकिन है। थीटा टू इन टर्म थीटा वन की वैल्यू पता है हमें, इनका रेशियो पता है हमें, सही है।